Bismillahir Rahmanir Rahim. In this video, we are going to learn how to use tuple in Python. Let's start. Tuple. A tuple contains a group of elements which can be different types. Tuple के अंदर भी हम एक group of elements create करते हैं और ये different data types के भी हो सकते हैं. It is a similar to list but tuples are read only, which means we cannot modify its elements. ये सिमिलर लिस्ट की तरह ही है बट इसके अंदर हम लोग जो एलिमेंट्स बनाते हैं वो सिर्फ रीड्स ओनली होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि हम उसको फिर मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे इसके एलिमेंट्स को. टुपल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेंथेसिस. टुपल्स को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स टुपल नेम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, फिर एलिमेंट लिखूंगा, फिर कोई सेकेंड एलिमेंट हो सकता है, फिर थर्ड एलिमेंट हो सकता है, इस तरह सो ऑन. और डिफरेंट डेटा टाइप्स इसके अंदर लिखे जा सकते हैं और एंड में हम लोग फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं. एक्स एक वेरिएबल है जिसे मैंने टुपल के तौर पे लिया है. असाइनमेंट ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है, फिर एट लिखा है, उसके बाद कॉमा दिया है. एट जो है वो एक इंटीजर है, फिर माइनस 30 लिखा है, वो भी इंटीजर है, कॉमा दिया है, फिर 11.3 लिखा है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, फिर कॉमा दिया है, फिर कोट्स के अंदर एप्पल लिखा है, ये स्ट्रिंग है, फिर कॉमा दिया है, फिर ट्रू लिखा है, ये बूलियन वैल्यू है, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया है. तो इस तरह हम लोग टुपल क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर और बैकएंड पे वो इस तरह डेटा को स्टोर कर लेता है. टुपल्स आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज. जो टुपल्स के अंदर हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं वो ऑलवेज ऑर्डर्ड में होते हैं, यानी कि जिस ऑर्डर में स्टोर किए उसी ऑर्डर में हम लोग उनको रिकॉल करवा सकते हैं. और डिफरेंस वही है कि ये अनचेंजेबल है, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते. एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड होती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ मैंने एक फ्रूट्स का टुपल बनाया है और उसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना, चेरी एंड बनाना, और इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये टुपल क्रिएट किया है. अब देखिए बनाना दो दफा यूज हुआ है, यानी इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑर्डर में ही इसको कॉल करवाएंगे अगर हम लोग इसका डिस्प्ले लेना चाह रहे हैं. जब मैं प्रिंट फ्रूट्स लिखता हूँ तो वो मुझे इस तरह इसका रिजल्ट दे देता है. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. ये मेरे पास एक पाइथन की टेस्ट फाइल ओपन है, इसके अंदर मैं अब टुपल क्रिएट करता हूँ. तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, और फिर मैं इसको जब डबल पैरेंथेसिस देता हूँ इट्स मीन ये टुपल का ग्रुप बना रहा है और इसके अंदर फिर हमें एलिमेंट्स देने पड़ेंगे. मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ. मैंने उसी तरह इंटीजर दे दिया, फिर कॉमा डाला है, माइनस 30 इंटीजर है, फिर कॉमा डाला है, फिर 11.3 कॉमा डाला है, फिर मैंने कोट्स के अंदर एप्पल, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, एंड देन फिर कॉमा डाल के फिर मैंने ट्रू लिखा है, ये बूलियन वैल्यू, यानी कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं. और इसको मैंने अगर इसका रिजल्ट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, एंड देन मैं एक्स को कॉल करवा लेता हूँ. एक्स एक टुपल है और मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं तो वो मुझे इस तरह रिप्रेजेंट कर देता है जो टुपल के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर हुए हैं. एक चीज याद रखिएगा, जब भी टुपल का रिजल्ट आएगा वो देखिए पैरेंथेसिस के अंदर ही मुझे रिजल्ट भी देगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने फ्रूट्स लिखा था तो मैं फ्रूट्स लेता हूँ, ये भी टुपल क्रिएट करने लगा हूँ. इसी तरह पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स बना लेता हूँ और मैंने एप्पल, बनाना, चेरी एंड फिर बनाना दे दिया है. आप इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हैं. अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ पे FRUITS फ्रूट्स लिखना पड़ेगा. सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं. आपने देखा है कि वो मुझे उसने उसी तरह प्रिंट कर दिया. अच्छा, इसमें जो चीज़ बताने वाली है कि बनाना दो दफ़ा हुआ है, यानी कि टुपल के अंदर भी हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर में ही होंगी. नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स का. एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ अ टुपल्स एलिमेंट्स. द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स एंड रिटर्न इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. जब भी हम एक टुपल क्रिएट करते हैं तो उसके बैक पे वो इंडेक्सिंग कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उसी तरह एक्स की वैल्यू दी है और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करवाया तो उसने बैकएंड पे इसका स्टोर कर लिए, लेकिन वो साथ में क्या करेगा, इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेगा. वो जीरो से स्टार्ट करेगा और फोर तक करेगा, और इसी तरह माइनस में भी करेगा. माइनस में जब भी वो करेगा तो फिर वो एंड से स्टार्ट करेगा और राइट टू लेफ्ट करेगा, तो वो -1, -2, -3, -4, -5 कर लेगा. अगर मैं इसको प्रिंट लेता हूं तो वो मुझे इस तरह इसकी वैल्यू जो है प्रिंट करवा देगा. फिर नेक्स्ट है कि हम लोग
टुपल्स की एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मुझे इसके पोजीशन नंबर पता होनी चाहिए जो इंडेक्सिंग के अंदर है। तो उसके लिए मुझे क्या सिंटेक्स लिखना पड़ता है? मैं कहता हूँ प्रिंट लिखूंगा पैरेंथेसिस के अंदर, फिर एक्स, एक्स क्या है, यही टुपल की वैल्यू है, और इसके बाद स्क्योर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पोजीशन नंबर लिखता हूँ। मैं 2 लिखता हूँ तो 2 यहाँ पे पोजीशन जो है वो 11.3 है, तो मैं ये लिख के जब एंटर करूंगा तो वो मुझे 11.3 यहाँ से उठा के प्रिंट कर देगा। इसी तरह हम नेगेटिव की एक वैल्यू ले लेते हैं, अगर मैं इसके अंदर -2 लिखता हूँ तो -2 है तो वो मुझे ये एप्पल जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो आप टुपल के एलिमेंट्स को इंडेक्स की पोजीशन नंबर बता के कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाउ टू डिलीट टुपल। अच्छा, क्योंकि टुपल के अंदर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते तो हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। जब भी डिलीट करना है तो मुझे कंप्लीट टुपल को डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल लिखना है और एक्स लिखूंगा। एक्स क्या है, ये टुपल का वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट मैंने टुपल के स्टोर किया था। तो डेल एक्स लिखता हूं तो वो फिर मुझे कंप्लीट टुपल जो है वो इंक्लूडिंग एलिमेंट्स डिलीट कर देता है। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेके चलूंगा। एक्स एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट टुपल्स के एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं डबल पैरेंथेसिस के अंदर, और मैंने हेल्प के लिए यहाँ पे उसकी वैल्यू जो बैकएंड पे स्टोर की है यहाँ पे लिख भी ली हुई है, ताकि हम लोग जिस भी एलिमेंट्स को कॉल करना है तो उसकी पोजीशन नंबर बता के कॉल कर सके। तो मुझे बताने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं एक्स, फिर यहाँ पे सिक्योर ब्रैकेट देनी पड़ेगी, और किसी को भी जो कॉल करना है, जैसे मैंने 2 को कॉल करता हूँ तो फिर मैं सिक्योर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखूंगा। और अब मैं इसको सेव करके अगर कॉल करता हूँ, आपने देखा सेकंड पोजीशन पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सेकंड पोजीशन पे 11.3 था, तो वो उसने मुझे प्रिंट कर दिया इसका एलिमेंट उठा के। इस तरह आप और भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ, मैं -2 को करता हूँ और इसको सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे एप्पल वैल्यू प्रिंट कर दी है टुपल के अंदर से, क्योंकि ये -2 के अगेंस्ट एप्पल की वैल्यू थी। आप इस तरह कोई और भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे और सेव करता हूँ तो मुझे वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। उसने जो 0 पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है टुपल के अंदर 8, वो मुझे उसने प्रिंट कर दी है। तो आप इस तरह इसको कॉल करवा सकते हैं टुपल के अंदर किसी भी एलिमेंट को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था कि हमने इसको अगर डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। टुपल के अंदर हम लोग सिंगल एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, जब भी करेंगे तो कंप्लीट टुपल को ही डिलीट करेंगे, तो जब उसको डिलीट करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट भी डिलीट हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहीं पे मुझे डेल लिखना है और टुपल जिस वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर है वो लिखना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं तो वो मुझे बता रहा है कि नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है कि एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक्स को डिलीट कर लिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग टुपल को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टुपल स्लाइसिंग। पाइथन स्लाइस सिंटैक्स अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट अ सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ टुपल, यानी कि हम टुपल के अंदर से अ सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स को भी उठा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो स्लाइसिंग के थ्रू करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, मुझे न्यू टुपल नेम देना पड़ेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर टुपल नेम जो जिसके अगेंस्ट स्टोर किया हुआ है, उसके बाद फिर मुझे सिक्योर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। मैं स्टार्ट लिखूंगा पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करें, फिर कॉलन आएगा, फिर उसकी स्टॉपिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, फिर कॉलन है, स्टेप साइज दूंगा, स्टेप साइज से भी मैं उठा सकता हूँ और फिर उसको सिक्योर ब्रैकेट से क्लोज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ एक्स, उसी तरह हम लोगों ने पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू स्टोर की है जो बैक पे उसने टुपल के अंदर ये एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ और मैं कहता हूँ एक्स में से मुझे 1 से लेके 4 तक, 1 जो है स्टार्टिंग पोजीशन है, 4 स्टॉपिंग, 1 से लेके 4 तक उठा दो। तो पोजीशनिंग में 0 से लेके 4 तक है और 1 से जब 4 तक करते हैं तो वो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स उठाएगा। क्यों 3 एलिमेंट्स उठाएगा, इसके अंदर जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो हमेशा n माइनस 1 होता है, तो 4 माइनस 1 3, तो वो 1 से लेके 3 तक 3 ये जो एलिमेंट्स है इसको मैं अगर प्रिंट लूंगा तो वो मुझे ये 3 एलिमेंट उठा के दे देगा। आप इस तरह से यूजिंग स्लाइसिंग कोई भी टुपल के एलिमेंट्स जो है या डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो आप उठा के प्रिंट करवा सकते हैं या उसको कॉल करवा सकते हैं। इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा। मेरे पास एक ऑलरेडी टुपल क्रिएटेड है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट स्टोर है। अब मैं यहाँ से स्लाइसिंग के थ्रू सम सेगमेंट्स उठाना चाह रहा हूँ एलिमेंट्स का, तो वो क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ, फिर कहाँ से उठाना है, एक्स वेरिएबल के अंदर ये एलिमेंट्स
जो है टुपल के स्टोर हैं, तो मुझे x लिखना पड़ेगा, फिर स्क्योर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, वन स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, कॉलन दूंगा, फोर जो है मेरा स्टॉपिंग पॉइंट है, फिर स्क्योर ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगा और उसके बाद फिर ए को मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, मैं ए लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करके हम लोग रन कर लेते हैं। आपने देखा उसने मुझे क्या किया कि ये प्रिंट करके एलिमेंट्स उठा के दे दिए हैं टुपल में से। ये हम लोगों ने स्लाइसिंग के थ्रू किए हैं, यानी हम लोगों ने वन से स्टार्ट किया तो 80 पे है, -31 पे, वन से स्टार्ट किया 2, 3 और 4, फोर इसलिए नहीं करेगा, 4-1 है, तो हमें 3 तक 1, 2 ये तीनों का सेगमेंट उसने मुझे उठा के टुपल में से प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं टुपल के अंदर। नेक्स्ट है जी रिपीटेशन एंड कंकेटिनेशन ऑपरेटर्स। रिपीटेशन ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट द एलिमेंट ऑफ टुपल, यानी कि इसके अंदर हम लोग टुपल्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक्स है मेरे पास टुपल है और इसके अगेंस्ट ये 3 एलिमेंट स्टोर है। अब मैं इसको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक और वेरिएबल लेता हूँ ए और उसके अंदर एक्स, एक्स ये है यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 3। मल्टीप्लाई साइन जो है वो बेसिकली रिपीटेशन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, वो मुझे यही जो है अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो 3 टाइम प्रिंट कर देगा, 1 दफा 2 दफा और 3 दफा। इस तरह हम लोग रिपीटेशन का ऑपरेटर यूज करते हुए इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इज यूज टू डू कॉन्केटिनेशन द टुपल, यानी टुपल को हम लोग ज्वाइंट भी करवा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 2 टुपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे एक्स क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट स्टोर किए हैं, फिर वाई है उसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर किया है, फिर मैं एक जी जो है नया वेरिएबल लेता हूँ और असाइनमेंट ऑपरेटर देके एक्स प्लस 1 कर देता हूँ, यानी कि इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दो। तो वो क्या करेगा, फिर मैं प्रिंट जी करवाता हूँ तो वो मुझे इन दोनों जो डिफरेंट टुपल्स हैं इनको ज्वाइंट करके मुझे ये रिजल्ट दे देता है। ये एक्स की वैल्यू यहाँ तक है और ये वाई की है, इस तरह उसने उसे ज्वाइंट कर दिया है। तो हम लोग 2, 3, 4 जितने भी टुपल्स हैं उनकी एलिमेंट्स को ज्वाइंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी एक्सेसिंग टुपल थ्रू लूप्स। हम टुपल के एलिमेंट्स को थ्रू लूप्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप ले लेते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक्स उसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स लिखूंगा, फॉर है, आई एक वेरिएबल दिया है, इन इसमें से कहाँ से मुझे वैल्यूज उठानी है, एक्स, एक्स क्या है, ये टुपल है और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फिर एंड पे मुझे प्रिंट आई करना है, तो वो बारी बारी यहाँ से पहले 8 को उठाएगा, आई में स्टोर करेगा और प्रिंट कर देगा, फिर 30 को, 11 को, एप्पल को, ट्रू को, और मेरे पास इस तरह यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इस तरह हम लोग फॉर लूप के थ्रू भी टुपल्स के एलिमेंट्स को कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप है, उसके लिए भी सेम ही मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, टुपल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे पहले मुझे एक एन वेरिएबल लेना है और लेंथ कैलकुलेट करवानी, लेंथ किसकी, एक्स की, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। एंड देन फिर मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना है आई, एंड देन उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ 0। फिर मुझे एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है, मैं वाइल लिखता हूँ और यहाँ पे आई, आई ये 0 है और आई लेस देन एन, एन क्या है 5। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे आई को प्रिंट कर दे, तो मुझे इसी तरह एक्स और फिर उसके एलिमेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। एंड देन एंड पे फिर मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले 0 आई है वो लेस देन है यानी कि ये ट्रू है कंडीशन, तो वो मुझे 0 के ऊपर जो वैल्यू है 8 है वो प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह जाएगा प्लस करेगा 1 आ जाएगा, 1 के अगेंस्ट वो प्रिंट कर देगा, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट, 4 के अगेंस्ट प्रिंट कर देगा। जब यहाँ पे 5 आएगा तो वो 5 को 5 से कंडीशन मैच करेगा, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 है तो ये फॉल्स होगी ये कंडीशन, तो इसके बाद लूप नहीं चलेगा। इसको भी जब रन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। फॉर टाइम सेविंग मैंने इसका कोड पहले से लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट और क्लोज किया है, इसका मतलब ये टुपल्स के एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर स्टोर है। फिर इन वैल्यूज को कॉल करते हैं फॉर लूप के थ्रू, सेव करता हूँ और रन करते हैं तो ये उसने मुझे बारी बारी उठा के सारे एलिमेंट्स टुपल से यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप है, उसका भी टाइम सेविंग के लिए मैंने कोड पहले से लिख लिया है, इसको मैं दोहरा इसलिए नहीं रहा, हम कई दफ़ा इसको कर चुके हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं,
तो वही सेम ऑल एलिमेंट्स जो टुपल के अंदर है बारी बारी उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपिंग टुपल। वी कैन कॉपी एलिमेंट्स ऑफ टुपल इनटू अनदर टुपल यूजिंग स्लाइस। यानी कि टुपल के अंदर हम लोग कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सेम एग्जाम्पल लेके चलूंगा। एक्स है और पेरेंथेसिस के अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट स्टोर किए हैं, तो वो बैकएंड पे इस तरह स्टोर कर लेता है। अब इसको मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ एक और टुपल में, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू वाई। जब मैं ये लिखूंगा तो वो सेम जो है वो वाई के अंदर भी कॉपी कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट स्टोर है बैकएंड पे टुपल्स के अगेंस्ट, उसके साथ वाई को टैग कर देगा। इसका मतलब ये है कि इसकी लोकेशन सेम ही है, उसे लोकेशन चेंज नहीं की, लेकिन एक्स और वाई जो दो डिफरेंट टुपल्स हैं उनको सेम लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे वही वैल्यूज करके दी है वाई की जो कि एक्स के एलिमेंट्स हैं, लेकिन बैक एंड पे वो सेम ही जगह पे स्टोर है। मैं फर्दर चलता हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है एक्स में से उठा के वाई में स्टोर करवा दो। उसके लिए मुझे वाई लिखना पड़ेगा, वाई इज अ वेरिएबल जो टुपल है, और असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ एक्स में से स्क्योर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ वन उठाए स्टार्टिंग पॉइंट है और फोर तक स्टॉपिंग पॉइंट है, यानी कि वन से उठाए और फोर तक मुझे वाई के अंदर वो एलिमेंट्स उठा के स्टोर कर दे। तो 4 माइनस 1 है बेसिकली, वो 1, 2, 3 ये वैल्यू स्टोर करेगा। और जब मैं इसको एंटर करता हूं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक नई टुपल क्रिएट कर देगा और उसके अंदर वाई को टैग करेगा और ये एलिमेंट स्टोर कर देगा जो कि मैंने यहाँ स्लाइसिंग के थ्रू की है। अब उसने बेसिकली वाई एक सेपरेट टुपल इंस्टॉल कर लिया और ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। एक्स अब डिफरेंट है और वाई एक डिफरेंट है। अगर मैं वाई को डिलीट करूंगा तो उससे एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर मैं वाई को डिलीट करता तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे है, उसने सिर्फ टैग उसका खत्म कर देना था। लेकिन यहाँ पे उसने वाई को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किया है। अगर मैं प्रिंट लेता हूँ तो मुझे वो ये इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो डिस्प्ले कर देता है। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। उसी एग्जाम्पल को लेके चलूंगा, एक्स एक टुपल क्रिएट किया, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट स्टोर है। अब मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ टुपल का वाई, असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ यानी इक्वल कर दे एक्स के, और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली वाई को भी प्रिंट करा रहा हूँ और एक्स को भी प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रिंट के साथ यहाँ पे एक्स लिख दिया है और वाई लिख दिया, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कराई ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखें एक्स उसके अगेंस्ट उसने ये एलिमेंट्स हैं और उसने एक और फिर वाई का टुपल भी बना दिया और उसके अंदर भी सेम एलिमेंट्स को कॉपी कर दी है। मैं अब यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि बैकएंड पे इसकी लोकेशन कहाँ पे इसने स्टोर की है, तो मैं यहाँ पे उसकी आईडी भी प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं प्रिंट लिखा है आईडी ऑफ एक्स, यहाँ पे आईडी लिखा है और पेरेंथेसिस के अंदर एक्स, फिर पेरेंथेसिस को क्लोज कर लिया, फिर आईडी वाई की ले ली है। इसका सिर्फ ये देखने का मकसद है कि मैं देखना चाहता हूँ कि बैकएंड पे उसने एक्स का टुपल और वाई का टुपल जो है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, उसने कहाँ पे स्टोर किए। मैं सेव करता हूँ और उसको रन करता हूँ, आप देखिए उसने एक्स के भी सेम एलिमेंट्स दिखाए और वाई को टुपल के भी एलिमेंट सेम दिखाए क्योंकि उसने कॉपी किया, लेकिन एक्स का जो मेमोरी लोकेशन है वो भी सेम है और वाई की भी सेम है, यानी कि उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है, यानी कि एक ही जगह पे वो स्टोर है, वहां पे उसने सिंपल टैग कर दिया एक्स को और वाई को क्योंकि वैल्यू सेम है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि एक्स टुपल में से कुछ सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स उठाता हूँ, तो कैसे उठाते हैं वो हम स्लाइसिंग से थ्रू उठाते हैं और वाई के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल वाई के आगे एक्स लिखा हुआ है, फिर सिक्योर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1 से उठाए और 4 इसका स्टॉपिंग पोजीशन है, सिक्योर ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। आप देखिए उसने मुझे एक्स के जो है एलिमेंट्स वो ये हैं, फिर स्लाइसिंग के थ्रू उसने वाई के अंदर भी ये 3 एलिमेंट्स उठा के एक्स के यहाँ स्टोर कर दिए हैं। अब एक एक्स जो है वो डिफरेंट टुपल है और वाई जो है वो डिफरेंट टुपल है। अब मैं इसकी लोकेशन जब देखता हूँ तो आप देखें एक्स की डिफरेंट लोकेशन है और वाई की डिफरेंट लोकेशन पे उसने स्टोर किया है, क्योंकि उसके एलिमेंट डिफरेंट हो गए हैं, तो इसलिए उसने उसको एज ए न्यू टुपल क्रिएट किया और उसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट किया है टुपल के अंदर। इस तरह हम लोग टुपल के अंदर कॉपी कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स एक टुपल से दूसरे टुपल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टुपल कंस्ट्रक्टर। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अ टुपल
इट रिटर्न्स एन इम्यूटेबल एलिमेंट्स ऑफ ट्यूपल। ट्यूपल कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं हम लोग ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका सिंटैक्स क्या है, ट्यूपल है फिर पेरेंथेसिस है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट फिर मुझे यहाँ पे ट्यूपल लिखना पड़ेगा और फिर पेरेंथेसिस देने पड़ेंगे, फिर वो मुझे रिटर्न में एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट कर देगा। फर्दर देख लेते हैं, एक्स वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगा, फिर मुझे यहाँ पे ट्यूपल लिखना पड़ेगा और पेरेंथेसिस के अंदर मैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेता हूँ। जब भी स्ट्रिंग की वैल्यू लिखते हैं हम लोग कोट्स में लिखते हैं। इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे इस तरह प्रिंट करके देगा। इसमें उसने क्या किया कि जितने भी अल्फाबेट्स थे यहाँ पे दिए स्ट्रिंग के अंदर, उसने सारे के सारे सेपरेट कर दिए और ट्यूपल के अंदर स्टोर किए, और जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो मुझे ये सेपरेट सेपरेट ही कॉल करवाने पड़ेंगे। ये काम हम लोग सिर्फ ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कर सकते हैं। और कंफ्यूज ना हो, अगर मैं जो स्टैंडर्ड वे से ट्यूपल क्रिएट करता हूँ, लाइक एक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद मैं पेरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू पाइथन देता हूँ और उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो वो सिंपल जो एक एलिमेंट स्टोर हुआ है वो उसी तरह ही प्रिंट करके देगा। इसके अंदर जो सिंटैक्स का डिफरेंस है, एक्स के बाद असाइनमेंट के बाद फिर मुझे यहाँ पे भी ट्यूपल लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ट्यूपल लिखूंगा तो वो उसे ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के तौर पर लेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। एक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन मुझे यहाँ पे ट्यूपल लिखना पड़ेगा और फिर पेरेंथेसिस डबल देने पड़ेंगे एंड देन फिर मुझे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। इस तरह डबल पेरेंथेसिस के अंदर उसको क्लोज करना पड़ेगा, तब हम लोग ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं ट्यूपल के अंदर। अब मैं इसका प्रिंट लेता हूं तो इसी तरह ही वो मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने किया था उसी तरह ही वो मुझे ट्यूपल का एलिमेंट्स को प्रिंट करके देगा। तो दोनों तरह कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको सूट करता है। नेक्स्ट हम लोग ट्यूपल के थ्रू रेंज का फंक्शन यूज करके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इंटीजर्स की। वो कैसे कर सकते, उसका जो सिंटैक्स है वो मुझे पहले ट्यूपल लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस रेंज फंक्शन, फिर पेरेंथेसिस मुझे कोई स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी कॉमा, स्टॉपिंग पोजीशन देनी पड़ेगी कॉमा, और स्टेप साइज देने पड़ेंगे, फिर डबल पेरेंथेसिस के साथ क्लोज कर लूंगा। एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद फिर मुझे ट्यूपल लिखना पड़ेगा। जब भी मैंने ट्यूपल कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो फिर मुझे यहाँ पे ट्यूपल लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस के अंदर मैं रेंज का फंक्शन यूज करता हूँ, फिर रेंज की वैल्यू देते हैं, मैं 11 दे दी है तो वो मुझे क्या करेगा, फिर 0 से लेके 11, 11 माइनस 1 10 तक इसका रिजल्ट दे देगा। मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं तो मुझे ये वो रेंज इंटीजर की 0 से लेके 10 तक कंस्ट्रक्ट कर देता है और ट्यूपल्स के अंदर उसकी वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। ईच नंबर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे ट्रीट होगा, यानी कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक करना है या ज्यादा वैल्यूज की रेंज मैन्युअली डिफाइन करनी है तो आप रेंज का फंक्शन यूज करते हुए ट्यूपल के अंदर उसकी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग कैसे ट्यूपल क्रिएट करते हैं। एक्स एक वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूं, फिर यहां पे याद रखिएगा मुझे ट्यूपल लिखना पड़ेगा एंड देन फिर मैं उसी तरह डबल पेरेंथेसिस देता हूं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर करवा लेता हूं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू इसके अंदर स्टोर की है लर्न पाइथन और उसे कोट्स के अंदर लिखा है एंड देन मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। इसको मैं सेव करता हूं और रन करता हूं। आपने देखा कि उसने लर्न पाइथन के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे सेपरेट एलिमेंट्स के तौर पे स्टोर करवा दिए। तो अगर आपने इस तरह कुछ करवाना हो तो फिर हम लोग ट्यूपल कंस्ट्रक्टर को यूज करके एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं ट्यूपल के अंदर। मैं आपको डिफरेंशिएट भी बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड और ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का फर्क क्या है। ये मैंने कोड लिख लिया है, वाइल लिया है और उसको पेरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर की है, फिर प्रिंट वाई कर लेता हूँ, ये ट्यूपल के अंदर स्टोर की है। इसी तरह मैंने नीचे जो है एक्स है इसको एज ए कंस्ट्रक्टर लिया है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की है। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे फर्स्ट जो है एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ही लिया है उसको कंप्लीट को और उसी तरह उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट दे दिया है, लेकिन जब मैंने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसने सेपरेट सेपरेट अल्फाबेट्स को किया है। इस तरह हम लोग ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेंज का फंक्शन था, उसके लिए मुझे यहाँ पे रेंज देनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे रेंज लिखता हूँ और फिर कोई वैल्यू दे देता हूँ 11, उसी तरह ही चलेंगे और पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ और सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देखें उसने मुझे 0 से लेके 10 तक जो है वैल्यूज की क्रिएट कर दी है थ्रू रेंज और ट्यूपल के अंदर इसको स्टोर कर दिया। एक एक नंबर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के तौर पे उसने स्टोर किया है। तो हम लोग रेंज का फंक्शन यूज करते हुए भी
tuple constructor के थ्रू ये काम करवा सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ tuple वर्क इन पाइथन. इफ यू लाइक दिस वीडियो kindly share with your friends and please subscribe this channel. थैंक यू.